ये देखें जी, हमने भिंडियों को धो लिया है। अब धोने के बाद अब हम इन भिंडियों को इस तरीके से टिश्यू पेपर में रख के अच्छी तरीके से खुश कर लेंगे ताकि इनकी स्किन के ऊपर कोई भी मॉइस्चर ना हो। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से टिश्यू पेपर से आपने एब्जॉर्ब कर लिया और जब भिंडियाँ इस तरीके से खुश्क हो जाएं तो उसके बाद हम इसको काटना शुरू करेंगे। इस तरीके से भिंडी की हम हेड को अलग कर देंगे और उसकी टेल को अलग कर देंगे। ठीक है, और तकरीबन इस हिसाब से हम उसको काटना शुरू करेंगे। ये तकरीबन हमने उसकी मोटाई को बरकरार रखा है। हेड उनका दूर करते चले जाएंगे और इतनी मोटाई हमने भिंडियों की रखनी है। अच्छा, भिंडी को इस तरीके से हम देखते जाएंगे कि कहीं इसके अंदर कोई कीड़ा ना हो। ठीक है, तो जिनमें अगर कोई कीड़ा हो तो उस भिंडी को हम फेंक देंगे। काटने के बाद अब हम प्याज को काटेंगे। प्याज को काटने के लिए जो तरीका अडॉप्ट किया है वो ये है। इस तरीके से काटा, लॉन्गर उसमें डायरेक्शन में इसको हम प्याज को काटते हैं। ठीक है, प्याज काटने के बाद अब हम ये दो आलू लिए हमने। भिंडी चूंकि हमारे पास तकरीबन 250 ग्राम थी, उसके साथ हमने एक दरमियाने साइज की प्याज काटी। अब हमने मीडियम साइज के दो आलू लिए। उसको इस तरीके से काटने के लिए जो प्याज आलू की लंबी वाली साइड है, एक यूं काटा, एक यूं काटा, जैसे वेजेस टाइप के होता है ना, उस तरीके से हमने इसको भी काट लिया। अब हमने एक बड़े साइज का टमाटर लिया, अब हम इसको भी काटेंगे। जनाब, ये रेसिपी मेरे दोस्त हैं हाशिम, जो यहाँ मिसिसागा में रहते हैं। हम लोग कुछ दिन पहले उनके घर गए और वहाँ पे जब हमने आलू भिंडी खाई तो ये कॉम्बिनेशन हम लोगों के लिए बिल्कुल नया था। हम भी बड़े हैरान हुए कि आलू भिंडी नाम की भी कोई डिश होती है। भिंडी अलग होती है और आलू अलग होते हैं। बहरहाल, जब हमने खाया तो हम खा के हमें बहुत मज़ा आया और बेनतहाई लाजवाब डिश थी, मज़ेदार थी। और उसके साथ दूसरे जो लवाजमात थे, बिरयानी थी और कबाब थे, वो भी बहुत मज़ेदार थे, मगर ये भिंडी जो थी उन सब में सबसे ज़्यादा मुमताज़ हो गई। तो बहरहाल, मैंने अपने दोस्त हाशिम से इसकी तरकीब पूछी और तरकीब पूछने के बाद ये फ़र्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसी हमने हाशिम के यहाँ आलू भिंडी खाई थी तो वैसी यहाँ पे। बहरहाल, अब हमने आधा कप ऑयल लिया है, उसको पतीली में डाल दिया इस तरीके से। और डालने के बाद जो प्याज हमने काटी थी, ठीक है, उस प्याज को अब हम फ्राई करेंगे। देखें, प्याज का अब रंग जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया है और वो नरम पड़ गई और हल्का हल्का सा उसमें प्याजी रंगत आना शुरू हो गई। तो अब हम उसमें क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले हम आलू डालेंगे। क्योंकि आलू ज़रा गलने में टाइम लगाते हैं, तो भिंडी से थोड़ा पहले हम इसके अंदर आलू डालकर
उसको फ्राई करेंगे। तकरीबन एक दो मिनट तक हमने आलूओं को इस तरह डाल के फ्राई किया। अब हम उसके साथ ही जो हमने भिंडी काटी थी, भिंडी को भी डालकर तकरीबन एक या दो मिनट, एक से लेकर दो मिनट तक अब हम उसको फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक दो मिनट तक इसको मुश्तरका तौर पे फ्राई किया कि जिससे भिंडी का लेस हमें कम हुआ हुआ नज़र आया। और उसके बाद हमने तकरीबन दो टेबल स्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाली इसमें, एक चाय का चम्मच नमक और क्वार्टर चाय का चम्मच हल्दी डाली और उसको फिर मिर्चें, हल्दी और नमक डालने के बाद अब हमने उनको इस तरीके से चम्मच चलाते चले जाएंगे ताकि वो मसाले जो हैं वो आलू और भिंडी के साथ अच्छी तरह शामिल हो जाएं। और तकरीबन इसको फिर हमने उतना ही तो एक दो मिनट तक फ्राई किया मसाले के साथ। और हमने जो टमाटर काटा था उस टमाटर को हमने इसमें अब शामिल कर दिया। ठीक है, ठीक हो गया। अब हमने इसको टमाटर के साथ फ्राई करना है, उस हद तक करना है कि टमाटर दोबारा नहीं नरम पड़ जाए। अब आपने देखा कि किस तरीके से ये जो है टमाटर भी शामिल हो गया है। अब टमाटर को चूंकि हमने गलाना है और टमाटरों जब पानी छोड़ेगा तो उस पानी से जो है भिंडी भी गलेगी, और अगर ज़रूरत हुई तो हम थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी का छींटा भी मार देंगे। मगर अब हमने आँच हल्की कर दी है और आँच हल्की करने के बाद अब हमने इसको दम पे रख दिया। इसके ऊपर थोड़ा ढकना ढक देंगे और इसको कुछ देर के लिए जो है दम पे हल्की आँच पे छोड़ देंगे। अब थोड़ी देर बाद तकरीबन एक मिनट बाद हमने ढकना उठाया, ये दम पे ही थी भिंडी, और अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर पानी का छींटा मारेंगे, वो भी इसलिए कि ताकि वो भिंडी को टमाटरों के साथ मिलकर थोड़ा सा इसका एक लेस सा बन जाए और वो गलना शुरू हो जाए इस, और उसको ढक देंगे और थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा चेक करेंगे। बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे और हल्का हल्का चमचा भी चला दे रहे हैं। आप देखें कि किस तरह टमाटरों ने पानी जो है वो छोड़ दिया है और किस तरह भिंडी है और आलू जो हैं वो गल चुके हैं और किस तरह एक बेहतरीन मसाला जो है वो बन चुका हुआ है। ठीक है, अब इस मौके पे हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ी हरी मिर्च शामिल कर देंगे। इस तरीके से हमने चार हरी मिर्चें ली और इसके क्योंकि तेज़ वाली हरी मिर्चें इसके दो दो पीस करके हमने इसमें डाल लें। तो इस तरीके से हम इसके पीस करते चले जाएंगे। देखिए आप, मैं इसको कैंची से इसलिए काट रहा हूँ ताकि आपको शो हो सके कि किस तरीके से हमने इसमें हरी मिर्च डाली और उसके बाद हल्का सा हमने इस तरह चमचा किया और दोबारा से ढकना ढक के हल्की आंच पे इसको फिर से दम पे रख दिया सिर्फ चंद मिनटों के लिए। तकरीबन 5 मिनट दम लगाने के बाद जब हमने ढकना उठाया तो एक बेहतरीन खुशबू का झोंका जो है वो आया। और आप देखें कि भिंडी भी गल चुकी हुई है और जो है आलू भी गल चुका हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो देखें भिंडी किस तरह गल गई है, आलू किस तरह गल गए। हमने इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखा है कि ये गलें तो सही मगर भिंडी और आलू अपनी अपनी शेप में बरकरार रहें, वरना अगर ये गलने के बाद खुल जाएंगी
तो उसकी जो कलर है और जो उसका जो खूबसूरती है वो नुमाया नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये बेस्ट टाइम है इसका कि अब आप इसको डिश आउट कर लें। देखिए किस तरह भिंडी अलग है और आलू अलग है, गल चुके हैं मगर घुले नहीं। इतनी शानदार भिंडी बनाने का तजुर्बा मुझे आज तक हासिल नहीं हुआ। तो मैं अपने दोस्त हाशिम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उसके तवस्सुत से मुझे एक इतनी शानदार रेसिपी मिली और मज़ा आ गया उस रेसिपी को देखकर। उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है तो उसका मज़ा कितना ज़बरदस्त होगा इस बात का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए जनाब, मैं आपको ये डिश को घुमा घुमा के दिखाता हूँ। उसमें हर रंग नुमाया है, आलू अलग नज़र आ रहे हैं, भिंडी अलग नज़र आ रही है, टमाटर जो हैं बिल्कुल गल के उसकी ग्रेवी सी बन चुकी है, हरी मिर्चों का कलर अपनी तरफ है, मसाले उसके ऊपर इस तरीके से एक टेक्सचर के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, इतनी शानदार ये डिश बनी है कि जिसकी कोई हद। आप भी इसको ट्राई कीजिए और ऐसी शानदार रेसिपी से आप ज़रूर मुस्तफ़ीद हों और बनाएं। और ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत आसान है और इंतहाई सेहत बख्श है। भिंडी के बारे में तो मशहूर है कि वो सेहतमंद, इंतहाई सेहतमंद होती है और सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ठीक है, आप ज़रा इसका क्लोज़अप देखिए, मैं और इसको करीब करता हूँ तो आप ये देखिए कि इसके अंदर कितनी खूबसूरती है, जो देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो वो खाने में किस कदर लाजवाब होगी। अब देखें अलग अलग तमाम चीज़ें अलग अलग, आलू भिंडी टमाटर सब अलग अलग है। ठीक है, और ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक यू हाशिम इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बताने के लिए, बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक्स अ लॉट।